बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं आलू वाले समोसे। आप घर में बाजार से बहुत अच्छे और बहुत खस्ता समोसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए हमने 400 ग्राम मैदा लिया है, उसको हमने स्ट्रेनर से छान लिया है। 100 ग्राम ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर टेबल का हिसाब लगाएं तो ये 8 टेबलस्पून है। एक चुटकी इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा, एक चुटकी नमक की शामिल कर लें। अब इसको हाथों से अच्छी तरह मसल लें। आटे में तेल की क्वांटिटी सही है कि नहीं, इसके मुट्ठी बना के देखें। ये देखें, इसका मतलब ये है कि तेल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा पानी की क्वांटिटी शामिल करनी है। इसकी आपने सख्त डो बनानी है, जितनी सख्त होगी उतने समोसे हमारे क्रंची बनेंगे। समोसे के डो को हमने तकरीबन सात मिनट गूंदा है। ये देखें, ये इतनी हार्ड होनी चाहिए। अब इस डो का हमने आधे घंटे के लिए साइड पे रख देना है। आधा किलो आलू लिए हैं, उनको बॉयल करके हमने छिलके उतार लिए हैं। मैं आपको दो तरह के आलू के समोसे बनाने सिखाऊंगी। आलू की पिठी रेडी करने के लिए हमने 1 टेबल स्पून ऑयल का इसमें शामिल किया। चूल्हा हल्का सा रखना है। कुटी मिर्च शामिल करनी है, नमक 1/2 टी स्पून, ये कुटा हुआ सूखा धनिया, ये 2 टीस्पून है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूप आपने हाथ से मैश करना है। अगर मैशर से मैश करेंगे तो उससे ज़्यादा मलीदा सा हो जाएंगे, जो कि ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हैं इसमें। ये हमारी नमक मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब इसको हमने ठंडा होने के लिए किसी बाउल में निकाल लें। ये देखें, आधा घंटा हो गया है डो को रेस्ट दिए हुए। ये देखें, इसने चेक करें ये कितनी हार्ड है। जितनी डो हार्ड होगी उतनी ही से क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। लंबी शेप में हमने ये रोटी बेल ली है। अब ऐसे ही सारी रोटियां बेल ली है, साइड पे रख लें। सारी रोटियों को हमने इकट्ठा जोड़ लिया है और ये सेंटर से कट कर लें। ऐसे पानी लगाया। अब ये देखिए, ये पॉकेट से बन गई है। अब इसके अंदर हम आलू की स्टफिंग डालेंगे। माशाल्लाह, कितना अच्छा हमारा समोसा रेडी हो गया। समोसों को ऐसे खड़ा करके रखे ताकि इनकी शेप ना ख़राब हो। सारे समोसे ऐसे ही हमने रेडी करने हैं। ये देखें, ये सारे समोसे हमने रेडी कर लिए हैं। चले आइए अब हम आलू के जो रोल हैं वो तैयार करते हैं। आलू की पिठी हमने समोसों में डाल दिए और आधी के बच्चे इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के शामिल करने हैं। छोटे छोटे से ऐसे कबाब बना लेने हैं। इसकी हमने बड़ी सी रोटी बनानी है। समोसा रोल सारे हमने रेडी कर लिए हैं। इसको फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा मैदा लेकर उसका बैटर रेडी किया है। इसमें डिप करके इसको फ्राई करना है। ऑयल हमने गरम कर लिया है, इसलिए हम समोसे डालते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बल अलीम।